सब मुस्टंडों के होते हुए भी वो बहन को भगा ले गया। मतलब तुम में से कोई उसके साथ मिला हुआ है? कौन है वो? कौन है? कौन है? वो आपकी बहन ही है भाई। हाँ भाई, आपकी बहन खुद भागना चाहती थी, तभी उसे भगा के ले गया। उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसके रिश्तेदार, उसका दोस्त, जो भी मिले उसे उठा के लाओ। अरे देवा, क्या पागलपन है ये? क्या बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है? ए, ये प्रभु देवा का फेवरेट स्टेप है। हाँ, अगर उसने देख लिया ना तो येड़ा हो जाएगा वो। पूरे शहर को हिला कर रख देने वाले भयंकर डॉन भवानी की बहन को शादी के मंडप से किसी अनजान आदमी ने किडनैप कर लिया है। मेरी तरह कितने बिल्डरों के पेट पर लात मारी है इस कमीने ने। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इस समय भवानी का चेहरा देखने लायक होगा। अरे देवा, दूसरे के मुंह पर शर्म नहीं आती आपको? अरे हिल हिल पूरी हिला, तुझे कप्पा हिला। अरे क्या बात है, आज सारे फंटर लोग एक साथ आ गए हैं क्या? आज कल जास्ती नसल है क्या? है ना, वो भवानी की बहन को कोई शादी के मंडप से उठा ले गया। अच्छा, उठाने वाला कौन है बता? कौन है बे? आपका बेटा। क्या बोला? आपका बेटा। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे वो यमराज मेरी आत्मा लेके जा रहे हैं, उसको रोक रहा हूँ। क्या अंकल, इतने में ही फट गई क्या? आप दोनों ही उसके माँ बाप हो, अगर भवानी भाई को एक भी सबूत मिल गया ना तो। ए, सबूत? अरे सबूत बचेगा तब ना। क्या कर रहे हो अंकल? माचिस दे। अंकल आप क्या कर रहे हो ये? अरे आप आग लगा रहे हैं। एक बात सुन लो, अब ना मैं उस नालायक का बापू और ना ही तुम फटे जनों को जानता हूँ। अब हम लोग ये घर छोड़ कर जा रहे हैं, तुम लोग भी यहाँ से वट लो, चलो भागो यहाँ से। अंकल उसकी फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हाथ नहीं लगा क्या तुम्हारे? भाई अमाला ताबून तोला फ्लोर निकला। एकदम चुप, मुंह बंद कर अपना। अगर किसी ने भी इस लकीर को पास करने की ट्राइंग की तो उसके पैर धर से अलग हो जाएंगे। सिर्फ मिट्टी की लकीर समझकर पार किया तो यू विल मिलो इन द मिट्टी। ए, ये पुदाली हमें आते ही दलाला है, बजा ले। ए, तो नहीं देता, बोला ना था। नहीं है वो पंचमुखी हनुमान के समान है, उसकी हर एक मार घमासान होती है। ओम काली। उन दोनों को पकड़ने के बजाय तुम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हो? एक मिनट, जल्दबाजी मत करना, इत लकील को पाल मत करना, किया तो तिकत तक जाएगी। किसने कहा ऐसा? ओए, भवानी के आदमियों को ठोकने की हिम्मत किसके बाप में है? उसके बाप के बेटे में है। तुम सबके बोन्स का वो बोन बेटा बना देगा। वो चाहे जो भी हो, उसे यही ठोक दूंगा। तुम उसे इतनी आसानी से नहीं ठोक सकते, वो एक तूफान है। अबे तूफानों में मैं अपना कच्चा सुखाता हूँ। अबे तेरी तो नौटंकी कहीं के, चल निकला से। भाई थोड़ा रुको, भाई थोड़ा रहम करो भाई। भाई ऐसे एक्टिंग करने के लिए उसने मुझे 2000 रुपए उसको कितने माला? ये नौटंकी करने के लिए उसने मुझे 2 प्लेट बिरयानी दी थी भाई। कौन है वो? कौन है? तू कहाँ जा रहा है?
ये चला लाओ कर, निकल जल्दी। ए, इसके गुंडा भाई लोग मेरे आई बाबा को कुछ नहीं करने चाहिए, जल्दी जाओ। मैं इसको सेव करता हूँ, तुम लोग उसको सेव करो। ए, लेकिन तू जा कहाँ रहा है? तेरे को नहीं बताऊंगा। क्यों यार? दो लाफे में उल्टी कर देगा मैं। ए, नहीं बताएगा तो भी हमको ही मारेंगे ना। तुम लोग का प्रॉब्लम है, भेटू यार। तुम सब मुस्टंडो के होते हुए भी वो बहन को भगा ले गया, मतलब तुम में से कोई उसके साथ मिला हुआ है। कौन है वो? कौन है? कौन है? वो आपकी बहन ही है भाई। हाँ भाई, आपकी बहन खुद भागना चाहती थी, तभी उसे भगा के ले गया। उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसके रिश्तेदार, उसका दोस्त, जो भी मिले उसे उठा के लाओ। अरे देवा, क्या पागलपन है ये? क्या बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है? ए, ये प्रभु देवा का फेवरेट स्टेप है। हाँ, अगर उसने देख लिया ना तो येड़ा हो जाएगा वो। पूरे शहर को हिलाकर रख देने वाले भयंकर डॉन भवानी की बहन को शादी के मंडप से किसी अनजान आदमी ने किडनैप कर लिया है। मेरी तरह कितने बिल्डरों के पेट पर लात मारी है इस कमीने ने। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इस समय भवानी का चेहरा देखने लायक होगा। अरे देवा, दूसरे के मुंह पर हंसते हुए शर्म नहीं आती आपको? अरे हिल, हिल पूरी हिला, तुझे कप्पा हिला। अरे क्या बात है, आज सारे फंटर लोग एक साथ आ गए हैं। क्या आजकल जास्ती नसल है? क्या है ना, वो भवानी की बहन को कोई शादी के मंडप से उठा ले गया। अच्छा, उठाने वाला कौन है बताए? कौन है बे? आपका बेटा। क्या बोला? आपका बेटा। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे वो यमराज मेरी आत्मा लेके जा रहे हैं, उसको रोक रहा हूँ। क्या अंकल, इतने में ही फट गई क्या? आप दोनों ही उसके माँ बाप हो, अगर भवानी भाई को एक भी सबूत मिल गया ना तो। सबूत? अरे सबूत बचेगा तब ना। क्या कर रही है अंकल? माचिस दे। अंकल आप क्या कर रहे हो ये? अरे आप आग को लगा रहे हैं। एक बात सुन लो, अब ना मैं उस नालायक का बापू और ना ही तुम फटे जनों को जानता हूँ। अब हम लोग ये घर छोड़ कर जा रहे हैं, तुम लोग भी यहाँ से वट लो, चलो भागो यहाँ से। अंकल उसकी फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हाथ नहीं लगा क्या तुम्हारे? भाई अमाला ताबून तोला क्लोर निकला। एकदम चुप, मुंह बंद कर अपना। दामाजी, उसने आपके सामने बहन को उठाया होगा, कुछ याद करो, अच्छी तरह याद करो, वो कैसा दिखता था? कोई भी एक क्लू, बस एक क्लू, अच्छी तरह सोच कर बताओ कार्तिक। क्लू क्या हुआ? आप उनका फोन मर गया, तेरा फोन दे। मेरा फोन कहाँ है? इसका ही ले लेती हूँ, ये लो। ए डले, इंजन चालू रखा रहे हम लोग। उस दिन मेरी फोन से किसी ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी रेडी रखने को कहा था, मुझे अच्छे से याद है। हाँ। फोन लो जल्दी, उसका नंबर देखो। लगाओ जल्दी उस ड्राइवर का फोन। ये नंबर है। अरे तो लगाओ जल्दी उसे फोन। Adavar sir, I am Delhi from Hyderabad, living in Bangalore. I know Bharat ki 15 language more. Oh, tu bol rahi hai? Kyun re? Tu Bhavani ki behan ko lekar aane wala tha, uska khaya hua. Tune bola tha na gaadi ready rakhne, main taiyar hu, aa jao. Hey, main Bhavani bol raha hu be. Char minara ki khasam galti ho gayi ji. Hey, meri behan kahan hai is waqt bol? रात को सीलिंग फैन सर पर गिर गया, याददाश्त कमजोर हो गई। तो तुझे गाड़ी रेडी रखने को किसने कहा था? आमिनो जॉन में वो कौन था? एक बंदे ने बैंगलोर से चेन्नई के लिए मेरी कैब बुक की। चेन्नई पहुंचते बोला 10 मिनट में मैं भवानी की बहन को लेकर आता हूँ। आधे घंटे तक मैं बैठा रहा लेकिन वो नहीं आया, मेरा पेमेंट तक नहीं किया उसने। आप कर दोगे क्या? उसका नंबर दे मुझे, जल्दी कर। आप जिस नंबर से बात कर रहे थे उसी नंबर से आया था फोन। ए, तू मेरे हाथ लगाना तुझे चीर के रख दूंगा। अयो, पेमेंट तो गया, जान भी जाएगी ही। नंबर तो गया, मरेगा। किसका नंबर दूं? यही दे देता हूँ। बोल जल्दी। 8990184 3 4 3 4 2 5 6। इस नंबर पे अभी फोन करा और मुझसे बात करा। उधरा सीन का पैड देना। हाँ। लीजिए सर। सर, आमतौर पर हीरो की बहन को उठाकर विलन उसे धमकाता है, लेकिन मामला पलट गया है। आपने विलन की बहन को उठा लिया और उसे धमका रहा है। अरे क्या बात है, आगे बढ़ आगे बढ़। वो विलन हर जगह अपनी बहन को ढूंढ रहा है और गुस्से में आपको फोन करता है, फिर जो डायलॉग आपको बोलना है। सीन बहुत मस्त है, इस सीन पर मैं गुज्जू स्टार खुद के डायलॉग बना के जवाब दूंगा। बढ़िया सर। बस फोन पे जो सामने है उसको चिल्ला कर बोलने को कहो। चिल्ला कर बोलने के लिए बोला है? चाल तो टेक कर बकुड़ा। ओके ओके। ए,
हीरो को जाकर तेरा फोन दे। ओके सर, रेडी स्टैंड बाय। व्हाट ए टाइमिंग। रोल कैमरा, एक्शन। हेलो, ए मैं भवानी भाई बोल रहा हूँ। तू भवानी है तो मैं पप्पा परवानी हूँ। सुबह होने से पहले ही तुझे ठोक डालूंगा। ए, तुझे पता है तूने किससे पकड़ लिया है? कितना? तू एक साल में कमाता है उतने का तो तेरा पप्पा मावा खा लेता है। ए, पता है तूने किसको उठाया? भवानी की सगी बहन को। अरे ए, मेरा भेजा मत फिरा वरना मैं तुझे भी उठवा लूंगा, समझा? ए, तू है कौन बे? मैं राजकोट का सुपरस्टार, तेरे गांव का मेगा स्टार, रास गरबा में नंबर वन और खाखरा की तरह कड़क हूँ। तू कोई जोकर है क्या? हाँ, वही बैटमैन वाला जोकर, जोकर, जोकर। तू खाली बता किधर है तू, मैं अभी आता हूँ। गुज्जू स्टार बिरला मिल में खड़ा है। वही रोक तो, अभी आता हूँ मैं। आई एम वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग। सुपर, वाह सुपर, अमेजिंग सर। अरे ये तो पावर स्टार हो सर। ये फोन पर जूनियर आर्टिस्ट कौन था? डायलॉग पावरफुल मार रहा था। नया नया आया, थोड़ा चिल्ला रहा था। ये काम कर, उसके साथ मेरी मीटिंग करवा। क्यों सर? उसको फ्री में एक्टिंग सिखा दूंगा। बकवास एक्टिंग करता है इस हीरो लेते कहां है वो तेरा जोकर हीरो? उसको जोकर हीरो मत बोलो सर, वो तो हमारा गुज्जू स्टार है। वो देखो उधर अकेला बैठा है। यो बे झिंगुर, क्या चाहिए मोटा भाई? मेरी बहन कहां है? पूछता है बहन किधर है, अभी भी बेचारा कैरेक्टर में है। जो करना है कर ले, नहीं बताऊंगा। सच्ची में क्यों मार रहा है? पिक्चर में मारना मतलब दूर दूर से ऐसे ऐसे करना, ये इतना भी नहीं पता? चल जाने दे, माफ किया, अभी सॉरी बोल मेरे को। तेरी तो पता कहाँ है मेरी बहन? ए, आर्टिस्ट है ना तू? आर्टिस्ट है ना? कांडा हो गया क्या? ए, अभी तक तेरा टाइम नहीं आया है, इसके लिए जिंदा खड़ा है। गुज्जू स्टार पे हाथ उठाता है। पहले तो आप इतने हीरो बन रहे थे लेकिन उसने आपको भी जीरो बना दिया। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो सर, अपने डायरेक्टर साहब इससे पहले बहुत बड़े एक्शन हीरो थे। बस उन्हें आने तो देखना, इस भवानी की ऐसी क्लास लगाएंगे ना वो। डायरेक्टर साहब क्या क्या सोचा था, लेकिन बिना पानी के उन लोगों ने इसे भी धो डाला। आर्टिस्ट है के पहलवान हमारा स्पेयर पार्ट ढीला कर दिया। शहर का डॉन भवानी भाई है, कोई आर्टिस्ट नहीं है वो। उसकी बहन मंडप से किसी के साथ भाग गई है, उसे लगता है कि तुम्हारे साथ भाग गई है। आप लोग को एक बात बताओ, या तो दबंग स्टाइल में जाकर उन लोगों की धुलाई करके वापस आ जाओ, या तो उनके पैर पकड़ के माफी मांगो। ऑप्शन टू बराबर है। इसी के लायक ये तो कोई हड़ताल है। आए छोड़ दो, गुज्जू स्टार फ्रॉम राजकोट। सर आप जो समझ रहे भाई, हाँ भाई, ये तत बोल रहा है भाई। उस टैक्सी ड्राइवर ने हमें गलत नंबर देकर घुमाया है। अब तक वो बैंगलोर से बाल तला गया होगा, अभी निकलेंगे तो पकड़ लेंगे। चलो जल्दी से निकलते हैं। बाल बाल बच गया भाई साहब। मोटा भाई, आपको रॉन्ग नंबर देने वाला नहीं मिला तो मुझे जरूर फोन करना। पूरे राजकोट में वर्ल्ड फेमस गुज्जू स्टार के बहुत फैंस हैं। आपकी बहन को ढूंढेंगे मेरे फैंस। ए, इस जोकर को भी ले लो साथ में। अरे अरे ये मुसीबत फिर से आ गई, भाग ले भाई, भागो। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? गाड़ी के ऊपर में। काय झाला? उबले हुए अंडे के जैसा मुंह बनाकर काय को बैठे हुए हो? रिलैक्स करो मामा। कैसे करूं मैं रिलैक्स? तुझे पता है तूने कितना मोटा कांड किया? अरे कंस मामा, क्या दो प्यार करने वालों को अगर मिलाओगे ना तो ऊपर वाला कम बात करने वाली बीवी देगा। ऐसा किस महापुरुष ने बोला? किसी ने भी नहीं, अपुन की क्रिएटिविटी। मैं अभी 50 तेल के दिए जला के आया। पण कशाला मामा? अरे इसलिए ताकि तुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाए। जहाँ तक उसका सवाल है, वो कमीना तो पीछे ही पड़ गया है। लगता है उसके लिए मुझे और दिए जलाने पड़ेंगे। अरे जो ना वो होके ही रहता है। Thank you.
इस लाइब्रेरी में टोटल 3,48,000 किताबें हैं और उन सब का एक ही इंचार्ज है और वो मैं राघव आचार्य हूँ। मेरी मर्जी के बिना एक भी बुक बाहर नहीं जा सकती है। जब चोरी रखवाला होएगा तो ऐसा ही होएगा। जोकिंग रे मामा, तेरा ये जोक बहुत ही घिनौना जोक था, बिल्कुल हंसी नहीं आई। एक गली 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 आ गई, हंसी आ गई। यो सत्य की बहन आई, एक सत्य की बहन। जल्दी जल्दी चल चल चल। कह रहे मामा, ये छोकरे लोग ऐसे क्यों भागे? कौन है ये सत्या? तू सत्या को नहीं जानता, ये पूरा शहर उसी के कंट्रोल में है। भाई सत्या के नाम पर उसकी बहन जो तानाशाही करती है ना, मर्दों को तो बस वो हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहती है। हीरोइन की रेसिपी तो सॉलिड बताई, अब देखने का मन कर रहा है। साला रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। टिकड़े ना आएगा इकड़े, छोड़ना मुझे। कंस मामा, बोला था ना मंदिर में दिल की घंटी बज रही थी, कहीं वो इच मुलगी तो नहीं ना? देवा रे देवा, वो लड़की यही चे। अरे ये बस दिखने में खूबसूरत है लेकिन इसका कैरेक्टर टेरर है भाई। उसके तेवर तो दे। तुम दोनों बारी बारी से पिटोगे, पहले जिसको दर्द हुआ ना वो गेम हार जाएगा। और मैं जीता तो आज से ये तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और अगर हार गया तो तू हमारा नौकर बन जाएगा। नौकर बनाओगे? पाप चढ़ेगा। तो हम स्टार्ट करें? हाँ करो करो। तुम्हें लगी तो नहीं ना? सॉरी। हाँ चलेगा चलेगा, अब मेरी टर्न। हाँ। स्केल है थॉर का हथौड़ा। क्या हुआ? मिसिंग मम्मी, अब मेरी बारी है। हाँ ठीक है। ये ओके है ना? ओके है, अब मेरी टर्न। ठीक है। यार थोड़ा बहुत जोर से लग रहा है। दर्द हो रहा है क्या? तूने हार मान ली क्या? अरे इतनी जल्दी थोड़ी ना हार मानेगा, मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता। इस गेम में ट्विस्ट करते हैं, स्केल्स एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये तो गया बेचारा, इसकी तो वाटर स्लाउट आ गई। इन्हें सीधा करने वाला कोई मर्द नहीं है क्या? अरे मैं बुजुर्ग आदमी कैसे करूँगा? ए, what happened? मम्मी को जाके कंप्लेंट करूंगा। देखने में सांड जैसा लग रहा है, जाकर मम्मी को बोलेगा? मम्मी को नहीं, पापा को भी बोलूंगा, तेरी मम्मी को भी बोलूंगा। शालिनी को कहीं भी देखोगे सलाम ठोकना, वरना तेरा सिर फोड़ दूंगी, समझा क्या? चल, come on girls, let's go। तेरे को अब भी ये पसंद है? अरे तेवर तो लड़की का जेवर होते हैं मामू। और लड़कियां बाहर से जितनी सख्त होती है ना, अंदर से उतनी कोमल होती हैं। अरे चुप कर, अंदर और बाहर से ये लड़कियां आतंक ही आतंक है, तू तो मुझसे दूर ही रहना। कंस मामा, नाश्ते में कितना प्लेट डर खाता है रे? अरे वो सत्या की खास बहन है। खूबसूरत गुलाब के फूल में कांटे तो होंगे ही ना, पर अपन भी पहुंचा हुआ माली है। ए, तू मेरे को जानता नहीं है, जब मेरे भाई को पता चलेगा ना, छोड़ेगा नहीं वो तुझे। तेरे भैया को बताने के लिए तू बचेगा तब ना। तू ऐसा मारेगी तो वो डर ही जाएगा ना, इसीलिए तेरा फोन भी अवॉइड कर रहा है। जरा इसे देख, हॉलीवुड का हीरो समझ रहा है खुद को। हार्ली डेविडसन बाइक चला रहा है, देखना अभी सीधा करती हूँ। हाय, हाउ डेयर ही। ए शालिनी, इसने तो तुझे भाव ही नहीं दिया, तेरी तो इंसल्ट हो गई। जस्ट वेट एंड वॉच। हाय हैंडसम। हेलो, ओह नो, इसने तो इज्जत का फालूदा कर दिया। हाँ यार, तूने बिल्कुल सही कहा, फर्स्ट टाइम किसी ने शालिनी को इग्नोर किया है। तुम लोग देखो मैं कैसे इसे अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। इसने तो कट्टी मार ली। वो देख वहां बैठा है। ओ, अब
तुम बस देखती जाओ कैसे मेरे पीछे भागता हुआ आता है। देख रही हूँ कंटिन्यूअसली मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, इतना एटीट्यूड। तेरे जैसे ना स्टाइल मारने वाले बहुत सारे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ तुझे पता? सत्या, सत्या की बहन हूँ मैं। ये पता है कि मैं कौन हूँ? कौन है रे तू? एसीपी शंकर, 500 एनकाउंटर, 300 मेडल्स, 30 ट्रांसफर, वो भी एक साल के अंदर। इस शहर के सारे माफिया का एनकाउंटर करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया। और तूने क्या नाम बताया अपने भाई का? सत्य। मन्नत मांग कि वो मेरी लिस्ट में ना हो। तू भी कम नहीं है, तेरे नाम पे भी काफी रैगिंग केसेस दर्ज हैं। एक हफ्ते में अंदर डाल दूंगा। अरे क्या हुआ रे? अचानक गाड़ी रुक गई भाई। एक काम कर, आसपास कोई मैकेनिक मिले तो ले आ। भाई गाड़ी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई। भाई अपने आदमियों को फोन करके दूसरी गाड़ी मंगा लूं क्या? हम बैंगलोर आए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ। लोकल टैक्सी लेके आ जा। ठीक है भाई। ए, रोक इसको। डाकते आजकल ऐसे नहीं रुकती, फोन से बुक कर। अरे रुक गई, कहाँ जाएगा कार्बन? कुछ दिन हम दां भी बोलेंगे वहाँ तलना होगा तेरे को। Then why you stand like this outside जंगली भालू? Come inside। चल रहे, हट रहे। Right। कहाँ जाएंगे मियाँ? तेरी आवाज कुछ जानी पहचानी से लग रही। हमका बहुत ही पॉपुलर भोजपुरी सिंगर है सर, हमका गाना सुनिए। तू लगाई ले जब लिपस्टिक, हिलाई ला सारा लिपस्टिक। चल गाड़ी चला। ए, हाँ भाई। उसको फोन लगा। ठीक है भाई। बदला है भाई। हेलो, कौन से? गाड़ी चला दे, फोन पे बात क्यों कर रहा है? गाड़ी गई, भिड़ गई तो हो गए। बात करना है तो लोग के बात कर। गाड़ी साइड में लगा और बात कर। चल में बोल बे। ए, जल्दी से अपना पता बता। ना बताएंगे तो क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ूंगा? रात होने से पहले पहले तेरी कब्र खोद डालूंगा। कब्रिस्तान में काम करते हो? ओए, तेरे आवाज के लाउड स्पीकर से मेरे कान के पर्दे नहीं फटेंगे। अबे तू ऊपर से चेंज कम होने वाला है, वो भी मेरे हाथों से। ओए तू बैंगलोर का चिंदी डॉन भवानी, तो अपन भी ऑलराउंडर मवाली हिंदुस्तानी, खत्म कर दूंगा तेरी जवानी। ए, चल फोन रहे, गाड़ी में पैसेंजर है, सीएनजी भरवाने जाना है मेरे को। भाई क्या हुआ भाई? सॉरी सर, किसी लुखे का फोन था। चलो एक आदमी को पकड़ना है। काइकू? क्योंकि हम एक दूतले आदमी को ढूंढ ले हैं। तो फिर सीधे दूसरे आदमी को पकड़ना बे। दूतले वाले को हम नहीं जानते हैं। अच्छा तो पहले को जानते हो? उसको भी नहीं जानते। कल्लू की खोपड़ी सटके लिए दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाना है। तू गाड़ी चला यार। अरे तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे सुनो, देखो नया मुर्गा हाथ लगा है। आजा आजा, रैगिंग मत कर यार, छोड़ दे इस बेचारे को। थैंक यू जूनियर। ए बेचारा, क्या हो गया आज तुझे? वैसे तो किसी को नहीं छोड़ती है। नो 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 नो, नो रैगिंग, दैट्स इट। ठीक है, आज से हम रैगिंग करेंगे और तू देखना। तू एक काम कर, मुर्गे की तरह उछल कर कैंटीन तक जा और वहाँ से गर्म गर्म समोसे लेकर जा। ए, ए, जा जा जा। Raja!
यहाँ रैगिंग अलाउड नहीं है, वहाँ बोर्ड पर लिखा है। और उसी बोर्ड के सामने रैगिंग? नो सर। महिला मंडली को क्या सजा दें? सर, अपनी रिवॉल्वर लेकर इन सब को छह ही गोलियां होती है। कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। आंखों पे पट्टी, बगल में रस्सी, उछल उछल के 100 बार इधर उधर आते जाते रहने का, लेकिन अगर पैर रस्सी पर पड़ा तो वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। सही पकड़े हो, चलो सेंचुरी शुरू करो। 99। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। बेबी और रक्षा के लिए व्हाट बेबी? पहले कॉलेज के प्रॉब्लम का मेरे को बोलती थी, अपन सॉल्व करता था। आजकल नो टेलिंग व्हाट हैपेंड, प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है खुद ही या प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसीपी शंकर जो है ना बहुत टॉर्चर कर रहा है, इसीलिए उसकी शिकायत भैया से करने जा रही है। माय डियर सिस्टर, सम्राट अशोक की तरह योर ब्रदर इज स्टैंडिंग दैट वेयर यू गोइंग व्हाई? इफ आई वांटिंग उसकी शर्ट से स्टार उखाड़ के उसे एसीपी से वॉचमैन बनाई, यू नो मी नो, अगर एक पंच से उसको धोई तो 20 stitches गवर्नमेंट अप्रूव्ड माय, बिलीव मी। Your matter for me is like chocolate खाएं। Now you go। Holding you। ऐसा उसको मैं जोर से धोएं कि उसको कोई प्यार से झपकी भी नहीं दें। उसने तो कल्टी मार दी भाई। उसने तेरे को कल्टी बोला। मैं ही जीतूंगी, कहा था ना। देखिए कौन है। नमस्ते मैडम। मैं एसीपी शंकर हूँ। What? क्या आप एसीपी शंकर हैं? हाँ मैडम, आपने भाई को बोला है कि मैं आपको परेशान करता हूँ। तो वो जो था वो लगता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मैं भैया से बात करती हूँ, आप जाइए। थैंक्स मैडम। इट्स ओके। ए ये क्या, उस नकली पुलिस वाले को सबक क्यों नहीं सिखाया, पकड़कर मारते उसे। यहाँ पर घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा, अब तुम लोग देखती जाओ कि मैं उसे कैसी मजा चखाती हूँ। गुड मॉर्निंग एसीपी सर। ए गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग एसीपी सर। ए एसीपी सर यहाँ आए हैं, एक स्पेशल चाय मंगवाओ। ओके लीजर। हम किसी से रैगिंग नहीं करवाते सर, पर आपके लिए कर सकते हैं, तुम लोग रेडी हो ना? हाँ हाँ रेडी रेडी हैं। सर मैं गाना गाकर दिखाऊं? ए सर को गाना सुनाओ जल्दी से। तुम लोगों को मालूम पड़ गया ना कि मैं एसीपी नहीं है। सही कहा बे, तूने सत्या की बहन को चीट किया है। आई विल नॉट लीव यू, तेरे खून से मैं अपनी नेल पॉलिश बनाऊंगी। मेरी सोना इतनी आग बबूला क्यों हो रही हो? सोना, हम दोनों कब क्लोज हो गए? अरे भेजे को ठंडा कर, बात तो सुन मेरी। तेरी बातें मैं क्यों सुनूं बे? अब मेरी बात सुन, समझा? सॉरी बोल, सॉरी बोल, चल कहा ना, सॉरी बोल। टच करने का तो प्यार से करना। ए शाड़े कौए, लोफर मवाली कहीं का। बदमाश गुंडा मवाली, ये सब तेरा भाई है, तू वैसा बनने की कोशिश मत कर, उसे भी पड़ती है तुझे भी पड़ेगी। चल मुंह मत लटका, मुस्कुरा मुस्कुरा। ए, अंदर से आवाज कैसी आई? हम तो गरबा खेल रहे थे। तो आधा नमस्ते करके निकलूं? अगर नहीं निकले तो ये वापस गरबा शुरू कर देगी। ठीक है, मुझ गरीब को इजाजत दीजिए। मेरी जिंदगी का ये शेवट सब भटूरा होना रहा है भांजे। काय को आज के बाद सिर्फ घास खाने का इरादा है क्या? बकवास मत कर, पूरी पेट से दब जाएगी। तेरे लिए पूरी मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंस मामा, कभी कभी प्यार का छाप दिल पर नहीं मुंह पे छोड़ना पड़ता है, ये मुंह लगाने का नया स्टाइल है। तुम छोड़ो ना मामू, अपना भटूरा खाओ। ये बात उसके भाई को पता चलेगी ना, उसके बाद वो एक नया स्टाइल यूज करके तेरी ऐसी बैंड नीतर पड़तो ही थू। You only taking panga with my baby. ये बात अपनी उस बेबी से ही पूछ लेना। Baby only tolding me you are doing trouble to her. तो वापस काय को पूछ रहा है?
ए अपन सत्या का भाई होइंग, पिछले हफ्ते एक आदमी को दौड़ा दौड़ा के काटे ले। अच्छा तो तेरे काटने पर कितने इंजेक्शन लगते हैं? कुत्ते के काटने पे 14 लगते हैं, तेरे काटने पे 24 लगते होंगे। ए, मेरे जैसे खतरनाक गुंडे का मजाक उड़ाएंगे क्या? चुपचाप जाकर बेबी को सॉरी बोल, बोला ना गो एंड टेलर सॉरी, गो टेलर सॉरी, बोला ना। कैसा था? धासु था भाई। इसकी फट गई है। वो इस ट्रॉली की खंभा भी कह रही है। भाई खुशी हो जाए भाई, आज इसे छोड़ने का नहीं भाई। हाँ भाई। डार्लिंग बस पार्क में आया है, मैटर सुलझाने को प्रॉमिसिंग वार्निंग देके छोड़ देगा, व्हाटएवर यू बोलो, या लंच पे कमिंग। तुला खरा सांगू का, तेरी बेबी को मैंने परेशान नहीं किया, वो उसे खींच के कान के नीचे बजाया। जरा रुको। What baby? You told me उसने परेशान किया, but he is saying थप्पड़ मारा। अब matter solve करने के लिए थोड़ा clarity मांगता है। अब पता है मैं कौन हूँ? सत्या की बहन। वो मुझे थप्पड़ मार सकता है क्या? वो कोई game खेल रहा है। तुम जाके उसे मारो। अरे उसको मारना बड़ी बात नहीं है रे, पर अगर उसको मारा तो थप्पड़ वाली बात सच हो जाएगी। Look, मैटर सॉल्व करना नॉट डिफिकल्ट, यू नो मी वेरी वेल। बोलो तो और राग पट्टी दू क्या? ठीक है, बस सॉरी बोलने को क्या दू, काफी है। सुयर ना। श्योर। बस अब बच्चा। ओए मामू, दबा पाइप देख के अपन हिलने वालों में से नहीं है रे। अपन एक हाथ से दो पिलर दबा सकता है। अभी छोटे मैं आ गया हूँ तेरा बैंड बजाने, मैटर क्लोज। क्या सोच रहे ले? ले ले ले, मेरे मिट्टी के शेर, बड़े बड़े पिलर दबा दिए तूने, अबे चर्बी की दुकान, चल निकल यार। Hey baby, I love you. क्या बोला? I love you. मैं भैया से कह दूंगी। साले साहब को भी देख लूंगा। What baby, sorry बोला ना इसने? बोला ना, sorry बोल दिया। चलो चलते हैं। Let's go बोलते हैं। सर अगर आपको एक आइडिया दूं तो प्लीज मुझे बजाना मत। सर प्लीज डोंट स्केयर, आई स्केयर। सर मेरे मोबाइल में एक ऐसा ऐप है जिसमें किसी का भी नंबर डालूं तो दुनिया में से उसको ढूंढ निकालता है, बस एक बार चांस दो ना सर। ओए नंबर बताइए सर। अरे हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो ना। हाँ 9898। हाँ सर फरी थी, बोलो ना जरा। 9898248। सर एक लास्ट टाइम बता दो फिर। मैं बता रहा हूं यार। 4830। अबे जंगली भालू फोन उसी को देना। ए मोटा भाई ये लो फोन, लो आप ही देख लो। नोट कर लिया ना? तो उसे अभी के अभी फोन लगाओ और उसकी ऐसी तैसी कर दो। इससे पहले कि लाल बत्ती जल जाए ट्रेन तुझ में चढ़ जाए, निकल ले यहां से, जल्दी से कल्टी ले ले। जा रही हूं। कनेक्ट हो रहा है सर। दादिका ए कनेक्ट तो ले सर, ये तो जयनगर दिखा रहा है सर। जयनगर भाई हम तो यही पले है, देखो देखो 7th मेन रोड सर, ये तो इधर ही है, देखो तोला डिटेल में जाके देखना। हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। सर सर कर्नाटका बैंक दिख रहा है। कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक, किधर? ये 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 कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक, काले कौवे कोयले की खान, तेरे पीछे ही तो है बैंक। त्यों बे बोला था लोकेशन बता के देगा, अबे हम दाए वहीं का लोकेशन बता ला। फोन गयो। ए जाने मन बैठ। वो तो खाली रैपर था, चॉकलेट यहाँ पर है। तू चाहे कुछ भी कर ले मैं तुझसे नहीं पटने वाली। ये तेरी गलत फहमी है, तुझे पता नहीं है तू ऑलरेडी पट चुकी है। मेरे ख्वाब मत देख। अच्छा चल एक काम करते हैं, कल सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ तू टाइम खोटी कर। तू मुझसे पट चुकी है या मैं तेरे को साबित करके दिखा दूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिंदगी भर तेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बिना बोले रेडी हो गई क्या? पंडित को बुला लूं फेरों के लिए। चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। ऑल द बेस्ट। ए, हमें लगा तो बड़ा प्लान कर रही है, पर तू तो मंदिर आ गई। एक ही दिन में मुझे पटा लेगा बोला था ना? अब तुम लोग देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। ए, ये क्या करने वाली है? आजकल की लड़कियाँ सिर्फ मॉल में जाके बर्गर और फ्राइज ठूसती हैं, लेकिन भगवान ने मंदिर जाने वाली संस्कारी लड़की मुझे दे दी, कितना खुश नसीब हूँ मैं। नसीब रे नसीब। अरे कहाँ चला? पैर में मोच आ गई, मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। मैं
पहली बार तुम्हारे साथ मंदिर आई हूँ। I'm so sorry। ये नको नको, तू टेंशन मत ले। मेरे पास एक रापचिक आइडिया है। मैं तेरे को अपनी बाहों में उठाकर भगवान के दर्शन कराकर वापस ले आता हूँ। ओके। अरे वाह, मुलगी शिकली प्रगति थाली। आजा जा, हिला मत, नहीं तो मोच में और दर्द होगा। आजा। मजा आ रहा है ना? हाँ, मंदिर कहाँ है? वो देखो, वहाँ पर। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के तो सच में ऊपर पहुँच जाऊँगा। ये आदि पतलून, इधर आ। ये दूरबीन का लॉकेट जरा आग पे लगा। दूरबीन से इतना दूर लग रहा है तो असली में कितना दूर होगा? इधर कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं है क्या? अब आएगा मजा। आज तो लग गई इसकी क्लास। आज पता चलेगा इस हीरो में कितना दम है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे? अरे सीढ़ियाँ क्या, तुझे गोद में लेकर चर्च गेट से विरार निकल जाऊं। भारी हो गया। मुझसे तो नहीं चढ़ा जा रहा। तुम जाओ। पत्नी से इतना प्यार करते हो कि उसके कदम धरती पर नहीं पड़ने दिए। बहुत भाग्यशाली हो बेटी। कैसा का है? हाय। हाय। तुम यहाँ? ए, हाय का मैसेज किया, उसका रिप्लाई करने के लिए सीधा यहाँ चले आए। ये रिप्लाई का खेल दोस्त लोग खेलते हैं। सच्चा आशिक सीधे आके बोलता है। अच्छा, मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क? मैं तो दूसरों को मिलाने के लिए भी रिस्क ले लेता हूँ। ये तो अपना पर्सनल प्यार है, इसमें कैसे नहीं लूंगा। तुम्हें डर नहीं लगता? जो प्यार का मंत्र जपता है उसके आसपास डर आता भी नहीं है। अब चल, तू भी डर को भगा। भाग्यवान का फोन होगा। बैंक लोन देने वाले जिस तरह से 50 बार दिन में फोन करते हैं, ये भवानी भी वैसे ही पका रहा है। भाई, वो ताला फोन कट कर लाए। तारे को सबक सिखाने का हमारे पास एक बढ़िया आइडिया है। सर, अल्लाह के नाम पे मेरी थोड़ी मदद कर दो सर, प्लीज। तोते बोलना भाई, अपने आदमी देता है, दोती हो गई है, दया फेंक दो ना। बोल, क्या तकलीफ है? एक चिंदी डॉन रोज मुझे फोन पर टॉर्चर कर रहा है। आप फोन पे उसका बैंड बजा दो ना। ठीक है, लगा उसको फोन। आगे से तेरे को परेशान नहीं करेगा, दोस्त देता हूँ उसको। ओह, इधर सिग्नल का लोचा है। रिंगटोन तो मजेदार है भाई, वो ड्राइवर खुद फोन कर रहा है। अबे है कहाँ बे तू? अरे यही सवाल अपन तेरे को आस्किंग आज। वेर आर यू? कम हियर तू। आधार कार्ड में तेरा जन्म तारीख तो होगा ना रे बाबा, मरने का तारीख मैं नक्की करेगा। एकल सप्पा, तू जिस जमीन पे खड़ा है ना रे बाबा, उधर आके मैं तेरा दो टुकड़ा करेगा और चिलकवे को खिलाएगा। ए झिंगुर, एक बार पता कहाँ है तू? ए ब्लडी भास्कर, हिंदुस्तान के हर कोने में मैं हूँ, लेकिन जिस दिन मैं उस कोने में आ गया जहाँ पर तू है, तो तेरे भागने के लिए हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचेगा। जिस अटकली तुझी गिल्ली अटकली, ठाकुर तू तो गयो। एड्रेस बता, अपन पहुँच रहे हैं। लालबाग पार्क पे आजा। अबे मियां, कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है तू? ये चढ़िया दिख नहीं रहा है। गांधी जी की मूर्ति के पीछे खड़ा हूँ। और मैं उसी मूर्ति के आगे इन फ्रंट खड़ा हूँ। कम झटपट यू डोगी, फेस टू फेस तेरी धुलाई होगी। अभी आता हूँ, वहीं रुक। आज मेरे यार की धुलाई है। दिल्ली भवानी मियां, मैंने कुछ नहीं किया। खोदा पहाड़ निकला चूहा। बोल बे,
ना बताएंगे तो का उखाड़ लोगे। ए चल फोन रहा, गाड़ी में पैसेंजर है, सीएनजी भरवाने जाना है मेरे को। ये ताप तो आज तीन में निकला। माफ कर दीजिए, इसकी वजह से शूटिंग कैंसिल हुई, इसे छोड़ना मत। बोल साले वो कौन है और कहां पर है, नहीं तो टेटवा तबा दूंगा तेरा। बाबा जल्दी से अकाउंट में 1,00,000 रुपए डलवा दो, वरना जो रोज एमआरसी क्लब में 3 पत्ती खेलते हो ना, आई को जाकर बता दूंगा। सर वो कहां पर है मैं नहीं बता सकता, पर उसका बाबा कहां मिलेगा ये मैं बता सकता है। We've been doing a lot of construction projects in India. We want to launch in Bangalore. Sure. We need your support for the same. Yeah. This is not new to us. I've done this before, so don't worry. Just a sec. भाई सत्या भाई का फोन है। हाँ बोलो भाई। अरे भैया के लोग पीछा कर रहे हैं। चेस दे जल्दी। चल भगा। अरे भगाना। भागने मत देना। भगा भगा। यार डार्लिंग, I'm doing chasing. One hour matter solved. Coming soon. बका बका, अरे पकड़ उसको, तेरी गाड़ी में स्पीड नहीं है, कह रहे छोड़ना नहीं सड़े। स्टॉप स्टॉप, किधर गया रे भाई? वो अपने सामने से आ रहा था भाई, वो भी अकेला भाई। इतनी हिम्मत की सामने से आई, अरे उड़ा रहे उसको, ब्लास्टिंग टोटली। बका बका, उड़ा दो। अरे बकाना रे मामू, बेबी पीछे सिटिंग बिहाइंड, ओए गाड़ी घुमा डाली। भाई अब तो भैया को जरूर पता चल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? अरे एक ना एक दिन तो पता चलना ही था उन्हें, जबरदस्ती काय को इतना लोड ले रही है। मैं जाकर मस्त कॉफी लाता हूँ। तू भाग कर कहां जाएगा? आज तो तू पक्का मरेगा। अपनी जबान से ज्यादा हाथ चलता है, बोल वचन देने वाला लुक्खा होता है, समझा क्या? Right.
इतनी मजाल के तूने अपने गंदे हाथों से मेरी बहन को छुआ। मेरी बहन को मारने चला था ना? सुन, तेरे बाबा को भवानी के लोग उठा ले गए। किसी से प्यार करती है ये तुझे आज पता चला? मैंने सोचा तेरे साथ बैंगलोर में रहेगी तो ये सेफ रहेगी। अगर मैं यहां नहीं आता तो क्या होता? दास अचानक हमला करेगा ये सोचा नहीं था भाई। मुसीबत आने से पहले फोन करके आती है क्या? शाना दुश्मन बोल के हमला नहीं करता, सब तेरी गलती की वजह से हुआ। मैं इसे वापस घर ले जा रहा हूँ। भैया आप, कोई मुसीबत नहीं आएगी, मैं देख लूंगा। ताकि ये भी अपनी बड़ी बहन की तरह भाग जाए। क्यों? मैं दीदी के जैसा गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अपना मुंह बंद रख। बड़ी की शादी कार्तिक से करवाने का वादा करके मैं उसे निभा नहीं पाया, लेकिन अब उसी से शालिनी की शादी करवा के अपनी ये गलती सुधारूंगा। चल, वो लड़का इसके दिल में भले रहे लेकिन इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। जैसा आप कहें भैया। भाई सत्या भाई तो बहुत टेंशन में लग रहा था भाई। अब अगर उनको बताया कि वो अपने हाथ से निकल गया तो अपने को तो दबोच ही डालेंगे भाई। बरसात के सूखे कीड़े, उस कीड़े को कब का मैंने टपका दिए। कब टपकाया भाई? इतने टाइम से अपन के साथ घूम रहे, लग नहीं देखा कभी टपकाया। कसम से अपन ने नहीं देखा। क्योंकि अपन ने टपकाया नहीं रहे, अभी ड्रामा करके एनर्जी नॉट वेस्ट। भाई झूठ बोलने से पाप लगता है भाई। सत्यवादी हरिश्चंद्र रिश्ते में तेरे दादा लगते थे क्या? याद रखना, अपने धंधे में सच बोला तो स्टैंडर्ड लो होता है रे। दुखा तेरे को। अब चल। ए आ गए, आ गए रे मामू। क्या हुआ रे, किस खुशी में नाच रहे हो? अपन के बेबी के पीछे जो छपरी घूम रहा था ना, उसको टपका दिए। क्या बात, सही है भाई, मेरा बापू लेगा। सही है भाई, खुश हो गया आप। ये ले भाई, टेंशन मत लो, अभी मैटर सॉल्व हो गया।
भाई को टेंशन उसकी वजह से नहीं, किसी और की वजह से। किसकी वजह से? जैसे ही उसे पता चला कि बहन यहाँ पढ़ने आई है तो उसने बहन को मारने का प्लान बनाया। Who is that boy? केशवपुर का दास। जो पेड़ तुम्हें छाया देता है उसी पेड़ को काटने चले थे हैं? लेकिन तुम्हें ये नहीं पता वही पेड़ तुम पर गिर भी सकता है। भवानी को मेरा प्लान तुम में से किसने बताया बस 2 मिनट में मुझे पता चलने वाला है। लेकिन अगर फोन आने से पहले वो खुद सामने आ गया तो माफ कर दूंगा। मुझे माफ कर दिया तो मेरी तकलीफें बढ़ जाएंगी। तुझे माफ कर दिया तो तुझे देखकर ये, इसे देखकर वो, तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी भाई। ये खुद को मार। सोचा माफ कर दूं इसीलिए तुझे खाली गंदी, लेकिन तूने ये आखिरी मौका भी गवा दिया। भाई भवानी अपनी छोटी बहन को लेकर चेन्नई लौटा है। शिकार खुद शिकारी के पास आ गया मतलब। तू काय को इतना ज्यादा हिल रहा है, ये तो एकदम ओवर एक्टिंग हो गया। मैं डांस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जुम्बा रामा सांबा मुझे सब आता है। अब अकल के कच्चे फट रही है मेरी। आ गए भवानी की आंखों के अंदर मुझे ज्वालामुखी दिख रहा है जो मेरी बीवी को दुखी कर देगा। देख मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम उससे कहेंगे हमें कुछ नहीं मालूम। एक्टिंग आवड़े से नहीं, शायद तेरे रोने धोने से पिघल जाए। तू बंदर की तरह कूदना बंद करो, शांति कम कर। मेरे को सिखा मत, मैं सब संभालूंगा। संभाल तू ही संभाल। नाम क्या है तेरा? Myself गणेश सर। इतना हिल क्यों रहा है? वो पैंट थोड़ा ढीला है ना, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर रहा है। उसका पैंट है ढीला, मुझे काय को चाटा मिला। तुम लोगों का कच्चा होगा सीधा। मत मारो। मेरा सर गिर जाएगा। सुगा सो। थमा थमा। तेरा पैंट गिर जाएगा। बता तेरा बेटा कहाँ है? मारो मत साहब, हमको काय को मार रहे हैं? हमको कुछ भी मालूम नहीं है सर। अरे कमीने बुड्ढे, तेरे को यही तो बोलने बोला था। जब तक तेरा बेटा नहीं मिल जाता तुम दोनों यहाँ गिर भी रहोगे। भाई मिनिस्टर के आने का टाइम हो गया। कैसा का है? मुंह लटकाया हुआ क्यों है? मुस्कुराना। What are you doing here? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। उस दिन जिन लोगों ने तेरे पे हमला किया था कौन थे वो लोग? दास के आदमी थे। कौन वो? केशवपुर का डॉन। लेकिन वो तेरी जान के पीछे काय को पड़ा है? भवानी, आज तक मेरी बहन ने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, पर आज बताया कि ये तुमसे प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। मैं इसे बहुत बार समझा चुका हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा ताकि अपनी बहनों की सही परवरिश कर सकूं। पता है किसे मना कर रहे हो? ये तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ दीपा, एक कदम आगे मत बढ़ाना। दीपा, दीपा, जिन दो बहनों के लिए तूने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया उनको मैं जब तक मार नहीं डालता मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसी वजह से भैया ने मुझे सत्या भाई के पास बैंगलोर भेज दिया था और मेरी दीदी की शादी करवा कर उसे अमेरिका भेजने का प्लान बनाया था, लेकिन मेरी दीदी इस बात की जरा भी परवाह किए बिना किसी के साथ भाग गई। जमाल सीता और गीता। शालिनी, तेरी बहन को भगाने का बंदोबस्त मैंने ही किया था।
मेरे भैया तो कब से तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, और अब तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। हमारे प्यार से ज्यादा मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है, और ऊपर से मेरी दीदी ने जो गलती की है वो मैं दोहराना नहीं चाहती। भूल जाओ मुझे, सब कुछ भूल जाओ। बरोबर है शालिनी, एक बहन होने के नाते तेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, पर अब क्या कर सकते हैं, अपन भी हटेला आशिक है। तेरे को जो करना तू कर, मेरे को जो करना मैं करूं। आइए पंडित जी, नमस्कार। ड्राइवर, गाड़ी पूर्व दिशा में पार्क करो। ठीक है सर। मुहूर्त तो बहुत है, लेकिन शनि आपके घर में डेरा डालकर बैठा हुआ है। क्या मतलब? ये घर बहुत बढ़िया है, लेकिन वास्तु गलत है। जब तक आप इस घर में रहेंगे तब तक बेबी की शादी होना मुश्किल है। लेकिन क्यों? हवा ने दे, घर अच्छा दिखे इसके लिए इंटीरियर करवाते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर ठीक है या नहीं देखना भूल गए। वास्तु? वायु का प्रवेश घर में बंद है, धन की प्राप्ति है पर कोई लाभ नहीं है। सब कुल मिलाकर इस घर में वास्तु भगवान कभी प्रवेश नहीं करेंगे। इस घर का निर्माण और आपकी बहन की कुंडली को देख कर ऐसा लगता है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। सही कहा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वास्तु प्रॉब्लम है। तो अब क्या करना चाहिए पंडित जी? वो घर देखना पड़ेगा जिसका वास्तु अच्छा हो। कैसा होगा वो घर? वो ना, उस घर की उत्तर दिशा में, नहीं नहीं दक्षिण दिशा में पानी होना चाहिए। पानी अगर नहीं ला तो बाल्टी भर के रख देना। मैंने कहा होना चाहिए और तू फालतू सवाल पूछ रहा है। अगर समंदर होगा तो बहुत अच्छा होगा। घर ऐसी जगह पर रहे तो घर में सब शुभ मंगल होता है। अगर घर के आगे सीढ़ियां हो तो और भी अच्छा होगा। इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दो ना, तिदल मिलेगा? खुद ढूंढ ले मोटे, वजन कम होगा। ऐसा कोई घर जल्दी से ढूंढ। काय झाला रे वास्तु, इतने में हवा टाइट हो गई तेरी? तूने किया, बस एक नैनो के लालच में वास्तु के नाम पर जो भी तूने बोला वो सब बोल कर आ गया। अगर वो वास्तु वाला घर भवानी को नहीं मिला तो समझ लेना वो मेरा वास्तु कर देगा। बाबा, मैंने अपनी आयु की रेखा खुद रबर से मिटा दी रे बाबा। काय को टेंशन ले रहा है, ऐसा ये घर है मेरे पास। किधर है? अपन का घर। इतना गरम काय को है? फूंक मारना हो रे। अच्छा, अबे उनके आने का टाइम हो चुका है। मियां वो फूंक नहीं, बम से उड़ा देंगे तेरे को। तेरा बेटा कहाँ छुपा है जल्दी से बता कर काम खत्म कर देना। अरे मेरे को पता होता तो संभल कर पता चुका होता। अरे मेरे को मालूम था ये मेरे को उठा के लेके आएंगे, इसीलिए उसकी फोटो और बाकी सारा सबूत मैंने सब जला डाला। सब जला डाला? हाँ सब कुछ। फोटो? सॉलिड आइडिया है। सॉलिड आइडिया? अरे मेरी तो फुस निकली। यहाँ मेरी जान निकलने वाली और तेरी फुस निकल रही है। मेरा आइडिया सुनेगा कि नहीं? अरे बाद में कॉल करता। अपने कंधे कान यहाँ ला। हमारे पास हमारे बचपन की एक फोटो है। आमी की कॉर्बे मेरी बचपन की फोटो उस भवानी को दे देते हैं और उसे बोलते हैं कि वही तेरा बेटा है, और फिर हम दोनों आजाद। जबरदस्त है एकदम। अरे तू तो एकदम खलनायक पिक्चर के संजय दत्त की तरह है। नहीं, खलनायक हूँ मैं। अरे यार मिस हो गया। भवानी सर, रात भर हमने लेटे लेटे बहुत सोचा और सुबह हमने एक फैसला ले लिया है सर। कैसा फैसला? बताते हैं ना सर, वो क्या है ना कि आपके साथ मेरे बेटे ने बहुत ही गलत किया है सर। हाँ तो? तो मेरा फैसला ये है कि मैं आपको उसकी फोटो दे रहा हूँ सर। लीजिए सर, ये उसकी फोटो है। ये फूल कहीं डाउटफुल तो नहीं? एक बात बता, तेरा बेटा इसकी जेरॉक्स कॉपी क्यों? सर आपके मूछों की कसम, इसकी पत्नी के साथ मेरे ऐसे ऐसे कोई संबंध नहीं थे। आना जाना रहता था लेकिन वैसा कुछ नहीं था। सच्ची? ये एकदम बराबर बोल रहे हैं सर। तुम दोनों ने जो हेल्प किया ना, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, तुम दोनों आजाद हो, जा सकते हो। हमको छोड़ दिया क्या? बहुत बहुत थैंक यू सर। मंडल आभारी है। तूने तो खाली पीली डरा। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। सर आपने सब सुन लिया? ए,
दोबारा भूल कर भी ऐसी फालतू हरकतें की ना तो डंडा टाल दूंगा। तेरे को बोला था ना साहब को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जा अपने रूम में। हम रूम में जा रहे हैं सर। सर अभी गेम में बिजी है, बाद में आके हमारी धुलाई करेंगे। तब तक से नहीं जा ही रहे हैं सर। भाई जिस घर को ढूंढ रहे थे वो मिल गया, कल ही हमें घर शिफ्ट करना होगा ऐसा पंडित जी ने बोला है। आजा बेटा। सुस्वागतम सुस्वागतम, वेलकम सर वेलकम मैडम। ये लोग कौन है? घर के ओनर है भाई, ऊपर रहते हैं। कैसा गया सर? एकदम ठीक। अपना ये घर बहुत लोगों ने मांगा और मैंने किसी को नहीं दिया, लेकिन जैसे ही पता चला शादी का मामला है तो मैं तुरंत मान गया। ए, वो दोनों बंदर को भी लेके आओ। ठीक है भाई। अबे उतार। चलो 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 अंदर चलो। तेरा बाप संता अपना विकेट पक्का गिरने वाला है। आए रे, अभी तक ओपनिंग बैट्समैन आया नहीं है, तुम लोग आउट होने की टेंशन ले रहे हो? अभी तो लंबी इनिंग्स खेलनी है। Welcome, welcome. हम दो लुखे फकीरों को इज्जत कौन दे रहा है? घर का मालिक हूँ। ओ अच्छा। Welcome, welcome, welcome. Hey, sir, sir, sir. अभी जिसने मेरे को गले लगाया ना वो कौन था सर? एक बार वापिस बोलो ना सर। तू क्या उस टाइप का है क्या? टाइम पास कर ले। चलो। चल मेरे से काम चला। उसको एक बार बुलाते थे तो। काय चला मैडम? ससुराल कैसा लगा? चल गृह प्रवेश कर। घर बहुत अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू सर, अपना चॉइस ही धासु है। अभी अभी जिसने चॉइस बोला ना वो मेरे को एक बार गले लगाओ ना प्लीज। आ जाओ एक बार। ये बुढ़ापे में सठिया गया क्या तू? ये दोनों छिछोरे कौन है सर? ये वाला तो कुछ ज्यादा ही चिपक रहा मुझसे। इसका कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा। जब तक इसका बेटा नहीं मिल जाता ये दोनों यही रहेंगे। ले जाओ इन दोनों को। मूर्ख हमेशा गुस्से को प्रकट करता है, बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। ये अभी किसने बोला? किसी कवि ने कहा? जिसने भी बोला है ना मेरे को उसको देखना है। उसके लिए टाइम को रिवाइंड करके 200 साल पहले जाना होगा। नहीं नहीं अभी जिसने बोला है ना उसको मेरे को देखना है। सब देखा कितना चिपक कर पागल को। ये कार्ड ले अंदर। अंधा कहीं का। ए दिल्ली। हुजूर। अब देख रहा हूँ मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा हूँ सर, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी आई। इन दोनों को अंधेरे कमरे में बंद कर दो। अरे इतना अंधेरा है और कितना अंधेरा करोगे? अरे पहले पट्टी तो निकाल। अरे यहाँ रुको यहाँ। अरे इतनी उतावली क्यों हो रही है? आजा 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 आजा। तुम्हारा प्लान क्या है? मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ। तेरे भाई के आशीर्वाद से तेरे साथ शादी मनाऊंगा और खुशी खुशी रहूंगा। पर ये कैसे होगा? मेरे को भी नहीं मालूम। बोलो ना। जैसे ही प्रॉब्लम आएगी दिमाग में आइडिया भी आ जाएगा। समझी नहीं। अरे खाली फोकट काय को टेंशन ले रही है? एक्शन तो मुझ में छोड़, रोमांस पर तू फोकस कर। सुन पार्टनर, बिजली चली गई है, यहाँ से भागने का अच्छा मौका है। चल निकलते फर्स्ट क्लास। अरे फर्स्ट क्लास छोड़, निकल यहाँ से। जल्दी भागते हैं यहाँ से। ए, रुक 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 रुक। अरे ये जो रोड है ना उसके यहाँ से मेरा घर एकदम नजदीक है। तू अपने घर चला जा, मैं यहाँ से बस पकड़ के अपने घर को जाता। ऐसे कैसे चला जाएगा? पहले मेरे घर चलते हैं, एक पूरा खंबा मारते हैं और फिर तेरे को आखिरी मटन बिरयानी खिलाता हूँ, अपनी आजादी का पार्टी मनाते हैं। ये मैं जाएगा कैसे? अरे कल मेरा ड्राइवर आ जाएगा ना तो मेरी गाड़ी से तेरे को बैंगलोर छोड़ देगा वो। तेरे पास गाड़ी है? ऑटो इधर आ। ये ऑटो नाइट चार्ज मत लेना, कड़की चल रही है। अरे रुके रुक, यही मेरा घर है। तो जैसे भिखारी को देखकर नहीं लगता है तेरा घर है? अरे अंदर तो आना। इतना अंधेरा क्यों है भाई? अरे पावर गया है यार। अच्छा तू इधर ही रुक, मैं कुछ अंदर से लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, अपनी तो लाइफ सेट है। पहला अपन नहा के हल्का हो जाएगा, फिर दो पैक मारूंगा, मस्त एक प्लेट बिरयानी खाऊंगा, फिर सॉलिड नींद सोऊंगा और सुबह एकदम फ्रेश उठकर अपने घर को कल्टी मारूंगा। ए सुन, तेरा हाफ पैंट उतार और ये लुंगी पहन ले जल्दी से। करेक्ट, असली आजादी तो लुंगी में ही है। घर से भाग निकले देखकर वो भवानी खुद को जूते मार रहा होगा। अरे भवानी छोड़, उसने जो निठल्ले गुंडे पाल रखे हैं उनकी तो वाट लगा देगा, पुंगी बच जाएगी उनकी, कपड़ों की तरह धो डालेगा सबको। उस लुक के भवानी की चाल देखना। बिजली आ गई। हम इसके घर आए हैं या हमसे पहले ये तेरे घर पहुंच चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छी, पहन लो अपने अपने घाघरे। अब ये बताओ कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हो? अब अभी सच बोलूं तो मैं भी यही सोच रहा हूँ सर। अबे? सर बिजली चली गई थी सर, सुसु आई थी सर, इसलिए बाहर चले गए थे सर। काम होने के बाद सर वापस आ गए हैं सर, बिजली भी आ गई है सर और दोबारा सुसु भी आ रही है सर। ए, भाई रोको सर। रोक ली सर। मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है? ये कैसी बातें करते हो मियाँ, हमने आपको कब धोखा दिया सर? आप तो शक्ल से ही बहुत इंटेलिजेंट दिखते ना, उस दिन इस लुखे ने आपको फोटो दिखा दिया, आप कैसे तुरंत पहचान गए? हम आपसे गद्दारी करेंगे तो उठाकर आप हमें बाहर।
सर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है, वो सामने जो खड़ा है वो इसका बेटा है, ये आपसे कहूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा ताऊ? तुम दोनों को बीच से काट के नमक मिर्च भर दूंगा। सर मानो या ना मानो लेकिन यही उसका बेटा, इसी ने टैक्सी रोकी थी मेरी, यही था वो। तुम बोले जा रहा है, पागल हो गया क्या? किसी भी अनजान आदमी को मेरा बाबा बना रहा है? टायर में से हवा निकली जैसी शक्ल वाला मेरा बाप कैसे हो सकता है? इसका रंग का मेरा रंग का। कौवा काला होता है लेकिन जब वो अंडे देता है तो सफेद होते कि नहीं? अंडे सफेद होते लेकिन उसमें से जो बच्चा निकलता है वो तो काला होएगा ना? बेशक बच्चे काले हो लेकिन उसके दिए हुए होते हैं। सॉरी सर, इसकी प्रॉब्लम समझ गया, शक की खुजली हो रही है इसको, अगर इसका इलाज नहीं किया ना तो यह दिन भर खो जाता रहेगा। अपनी फैमिली फोटो दिखाता हूँ। फैमिली फोटो हो गया, चलो फैमिली फोटो दिखा रहा है। ये मैं है, ये मेरे बाबा और ये मेरे दादाजी और अम्मी जान आई फोटो खींच रही। सर अभी देखना बोलेगा कि ये फोटो किसी फिल्म का पोस्टर है। भवानी भाई सर, ये सेंटा की फैमिली की फोटो नहीं है सर, गूगल से डाउनलोड किया, किसी फिल्म का फोटो है ये। आप हर बात पर मुझे बजा क्यों देते हो सर? उस दिन खलनायक की फिल्म का गाना गा रहा था और अभी डाउनलोड किया फोटो बता रहा है। तेरी तो मैं पक्का दही करके रखा, टॉर्चर है ये। सर टाइम पास के लिए रख लीजिए, फ्री का तो है। ए देख खर्चा पानी इसको, दिन भर भगता रहता है। शेर को घेर क्यों रहे हो? अबे भैंसे मेरी बात सुन, मियां फोटो को गौर से देख, कौन से एंगल से ये तुझे उसकी फैमिली फोटो लग रही है? जरा फोटो को ध्यान से देख, वो आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, तुमको बेवकूफ बना रहा है। ए हलकत, मेरे को बेवकूफ बोला? मैं रेडी हूं भाई के लिए, लेके ले चलो। आपके कहने पर हम वास्तु वाले घर में आ चुके हैं, इस घर में रहेंगे तब तो कोई रुकावट नहीं आएगी ना शादी में। वास्तु अब आपका मित्र है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? शादी के लिए दुल्हन है, दूल्हा भी रेडी है, फिर क्या दिक्कत है? ज्योतिष महाराज, दूल्हा मैं नहीं, ये क्या सर, हीरोइन जैसी कन्या किसी हीरो से शादी करवाने की बजाय फूकरे से शादी करवा रहे हैं? अगर मेरी इनकी तरह सुंदर बहन होती ना तो मैं पक्का इससे ही शादी करवाता, क्योंकि इसकी शक्ल वास्तु के हिसाब से बेस्ट है। व्हाट वास्तु? पंडित जी जिस काम से आए वही कीजिए, बहन की सगाई के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। आने वाला बुधवार अच्छा दिन है, सगाई उसी दिन रखिए। ओके। मैं हूं ना। मैं भी हूं ना, तेरा खेला कैसे खत्म करता हूं देख। भाई दास कभी भी हमला कर सकता है आपकी बहन को कहीं। जो डर गया सो मर गया, मर्द आदमी मौत से डरता नहीं है। पंच डायलॉग मारने का कोई जरूरत नहीं है, तुम सब शक्ल से दिखते मुस्टंडे हो लेकिन अकल से एकदम पैदल हो। हाथ लगाने का नहीं, लाश बिछ जाएगी। कितकी लात में? मेरी और खिसकी, लेकिन एक बात मैं बोल कर ही मरूंगा। सुनिए सर, चोर आपके घर में बैठा है लेकिन आप पूरे शहर में उसको ढूंढ रहे हो। तो नाम बताओ उसका। अभी बताता हूँ, मेरे साथ वो जो दूसरा बुड्ढा है ना, आप उसे कितना भी मार लो वो अपने बेटे का पता नहीं देगा, लेकिन उसकी पत्नी उसे जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगर उसे उठा कर ले और उसके मुँह पे दो चार लगाओ तो बुड्ढा सारा सच उल्टी की तरह बाहर निकाल देगा सर। कमाल का आइडिया दिया। थैंक यू सर। बुड्ढे की बीवी को ढूंढ। मैं निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं। साथ में इसकी बीवी को भी लाना। काय को सर? उसकी बीवी ने नहीं बोला तो तेरी बीवी से बुलवा लेंगे। मेरी बीवी को उठा लाएगा? मेरे तो अभी शादी नहीं हुई है। क्या बात कर? मेरे जैसे नमूने से कौन शादी करेगा? क्या? सर वो पिज्जा बर्गर बैंक का भरा हुआ एटीएम कार्ड ऐसी डिमांड करने वाली लड़कियों से मैं बहुत दूर भागता हूँ सर। मैं आपके लिए बिना शुगर वाली कॉफी नहीं करता हूँ सर। आई कमबख्त का हाथ है या हथौड़ा, बहुत दर्द हो रहा है। डेली हाथ मिला यार। काइकू हाथ तो दे, बताता हूँ। ले दिया। थैंक्स यार। थैंक्स काइकू, हाथ मिला है ना इसलिए। पर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे थैंक्स बोला? फिर से थैंक्स? हाँ बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है। रेडी 1 2 3 चेंज। ए भाई ये कौन से पावर हाउस में लेके आया? इनको देखते ही अपन के शरीर में बिजली कड़कने लग गई है। इसको बोलते हैं ज़ूम्बा। कौन सा बा? ज़ूम्बा। इसके साथ मैं भी करूं ज़ूम्बा? 5 6 7 डिसमिस। पावर शटडाउन हो गया रे। एक्सक्यूज मी, अब उनका नाम सेंटर। मेरा नाम रूपा होना। माइती है तुम्हारा हस्बैंड डेली डेंजर में है। क्या कहा? डेंजर में? मेरा स्वीट हार्ट दिल्ली वेडिंग रिंग, उन्हें क्या होना?
अपन जैसा बोलेगा वैसा ही करना। अब मुझे क्या करना होगा? सुनिए जी। हाँ? अयो। डार्लिंग। गो गो निकल यहाँ मत। सुनिए जी। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या आइटम है? इस चश्मिश की बीवी है भाई, अपने ही आदमी से लेकर आए हैं। फालतू नाटक मत कर। नाटक? हाँ, ये तेरी बीवी है, मुझे अच्छी तरह पता है। मेरी बीवी? ए, धोखा दिया तो धो डालूंगा, वो भी गटर के पानी से। सर आपको तो कोई भी धोखा नहीं दे सकता है सर, क्योंकि आप तो बहुत बुद्धिमान है। यू आर ग्रेट। ये देखो ना सर। ए सुन तू, इधर आ, मुझे गले से लगा ले। अरे वाह वाह वाह, मजा आया। लड़की को संभाल। क्या कर रहा है? मार क्यों रहा है तू? अरे क्या कर रहा है सर? देखा आपने, पकड़ने के लिए इसकी हाइट कम पड़ रही है। बंदर की तरह कूद कर इसे चिपक रहा है। इसकी ये बीवी होगी ऐसा लगता है आपको? कुछ तो गोलमाल है सर। ये दिल्ली हमेशा ए दिल्ली, अपनी बकवास बंद कर और कंफ्यूज मत कर। सर किस चीज का कंफ्यूजन है? क्या प्रॉब्लम है? शादी हाइट देखकर नहीं की जाती है, बैंक बैलेंस की हाइट देखी जाती है, महंगे गिफ्ट देने की औकात चेक की जाती है। परिवार चलाने के लिए हाइट ना हो चलेगा, बस कभी भी फाइट नहीं होनी चाहिए। फाइट और हाइट की तूने राइमिंग बहुत अच्छी की रे। इतनी कम उम्र की लड़की का आप ही बताइए सर, इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है? जरूर दाल में कुछ काला है। वाह बड़े मियां, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तीसरी बीवी है ना? हाँ ये मेरी तीसरी बीवी है। तीसरी बीवी? तो इसकी कुंडली बहुत तेज है। हाँ तो उस लड़की की माँ कौन है? इतना बेहुदा सवाल किया, वो तो पहली बीवी का था ना। सारे जवाब तू ही देगा, इस मोटे को भी कुछ बोलने दे। सब तुम दोनों की मिली भगत है। सर सर सॉरी सर सॉरी सर। तू बता, ये जो बोल रहा है वो सच है? बोल। जी हाँ, वो पहली बीवी का बेटा है, पर मैंने अपने बेटे की तरह पाला है उसे। वो अभी कहाँ मिलेगा बता? बता, उसका पता चलेगा तो ही मेरी बहन मुझे मिलेगी। बोल 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 ना। सर सर मत मारिए, मर जाएगी बेचारी। तू नहीं बोला था ना कि उसकी बीवी को उठा के ला और दो लगाओ थोपड़े पे? मेरे को नहीं पता था कहानी में ट्विस्ट आएगा सर। चल बोल बोल ना। मेरे को पूरा प्लान पता होना। ये देखो ये देखो, ये तो मेरी अंगूठी है। इधर आ, रुक उनको जाकर। ये सब क्या है सर? अपनी बहनों के लिए दिल में इतना प्यार रखते हैं और एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं? इन दोनों को थोड़ा वक्त दीजिए सर, जो भी सच है ये लोग आपको बता ही देंगे। ए भाई, इन दोनों को ले जाकर एक ही कमरे में बंद कर दो, शाम तक सोच कर बता देना कि तेरा बेटा कहाँ है। सर सर, हाई खुद दोनों को एक ही कमरे में डाल रहे हो सर, अलग अलग कमरे में बंद कर दो ना, जिससे वो आराम से सोच सके। इसकी बीवी से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है, बहुत टाइम से देख रहा हूँ। सर बीवी तो आखिर बीवी होती है, चाहे वो किसी की भी बीवी क्यों ना हो। ए छिंगोर, जब तक उस लौंडे का पता नहीं चल जाता यहाँ से भागने की सोचना भी मत। ले जाओ दोनों को। ठीक है भाई, तू भी चल अंकल। आज तो घर पर बात हो गया। छोड़ो, सुबह मेरी एंगेजमेंट है, ये जानते हुए भी तुम्हें थोड़ी सी भी टेंशन नहीं हो रही है? अरे अपन ने एक सुपर प्लान बनाया। क्या? पास तो आप, फिर बताऊंगा। क्या है प्लान तो बताओ। अरे किस करने का प्लान बनाया है? ये कोई प्लान नहीं होता, छोड़ो मुझे। ब्रह्मा मरार स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम। कन्या को अंगूठी पहनाइए। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः द्वये मातुरश्च। भैया आगे मत बढ़ना। यो ये तो इधर। सर सर भैया, क्या चला सर? कौन है ये? मेरी इज्जत नीलाम करवा कर भागने वाली मेरी बहन। मेरी बहनों की देखभाल में कोई कमी ना हो इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की, लेकिन इसने मेरा छे। मैंने अभी तक शादी नहीं की है भैया। कहाँ थी तो अब तक? छोड़िए ना, आप तो वापस आ गई है। मुझे माफ कर दो भैया। माफ कर दो? किसी और के साथ भागी थी ना तू, उसके सामने मेरे चुने हुए इस लड़के में क्या कमी थी बता मुझे। माफ कर दूंगा, बता मुझे, बोल। बेचारी कैसे बताएगी जब कोई समझने को तैयार नहीं। दुनिया में जब भी कोई लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर भाग कर शादी करती है, तब वो जानती है कि कोई उसे समझे या ना समझे, उसका भाई जरूर समझेगा।
अगर आज यहाँ इनकी माँ होती तो इन्हें जरूर अपना लेती, लेकिन इस बेचारे की माँ बाप सब कुछ शाप हो। अगर आप इसे निकाल दोगे तो कहाँ जाएगी? शुभ मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है, जल्दी से यहाँ वापस आइए। कैंसिल कर दो इस सगाई को। यामिनी, तुम तो अपनी मर्जी से भागी थी ना, फिर शादी किए बिना वापस क्यों आ गई? तुझे किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? अगर तेरी शादी होने से रोकनी है तो मेरी शादी नहीं हुई है ऐसा बोलने को कहा उसने? किसने? अपन ने। तुमने? जाने अनजाने में प्यार की मदद करने के चक्कर में तेरी बहन को उसके भाई से अलग कर दिया था। अब दामाद होने के नाते भाई को बहन से मिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। खुद को दामाद में फिक्स कर लिया? वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी ना होने के बारे में झूठ क्यों बोला? सिंपल है रे, अगर कोई लड़का फेल होने के बाद घर आकर बोले ये मैं फेल हो गया, तो घर वाले क्या पूरा मोहल्ला मिलकर उसकी धुलाई कर देगा। लेकिन अगर वही लड़का रोकर और दुखी होकर बोले मैं फेल हो गया, तो सभी लोग मिलकर बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाएगा बेटा। इसको बोलते इमोशनल गोली जो मैंने सबको खिला दी। इसका पूरा बचपन है ना झूठ बोलने में ही निकल गया है, और कोई पकड़ नहीं पाया आज तक मेरे बेटे को। कितना बेशरम बाप है ये। बाबा, वो दिल्ली छुपकर अपनी सारी बातें सुन रहा है, उसके लिए एक छोटी सी चिंगारी छोड़ कर आऊं? छोड़ क्या, कैसे बर्दाश्त करूं ये? ये खानदान में एक फ्रॉड तो चलता है, यहाँ तो पूरा खानदान ही फ्रॉड से भरा हुआ है। क्या ड्रामा कर रहे हैं? बहन के प्यार के लिए ड्रामा, अपने प्यार को पाने के लिए ड्रामा, ड्रामा पे ड्रामा। या अल्लाह उठा ले। सुनिए क्या? नहीं सुना, भांडा फूट जाएगा। नहीं फूटेगा, माफ कर दो। आप माफ कर दो, आप तो बड़े लोग ऐसे हैं। ड्राइवर, मैं बताता हूँ तेरे को। ड्राइवर बोलता है मेरे को? ठिकाने आएगी, इस सिलेंडर का सारा गैस मुँह से बाहर निकल आएगा। क्यों बे, तुम बाप बेटो ने जो फ्रॉड किया है उसमें घर की लड़कियों को भी तुमने शामिल कर लिया? हम लोगों को फंसाने के चक्कर में खुद डॉगी की तरह मार खाने से अच्छा है कि तू भी हमारे टीम में आ जा। मुझे क्या साधारण दिल्ली समझ रखा है? हैदराबाद का दिल्ली हूँ मैं, जो चार दिन से सबके लिए चाय बना रहा है। ओ हाय फाय, अगर मेरा मजाक करता लेकिन ये प्लान नहीं चलेगा। अंदर क्या चल रहा है पता है? भवानी कार्तिक और शालिनी की शादी फिक्स कर रहा है, अब तुम लोग क्या करोगे बताओ? जय महाराष्ट्र। नया फोन आ गया। करो, ये ऑरेंज कैंडी कौन है? ये दिल्ली है, यहाँ चाय बनाता है। आप कैसे हो? मेरी चम्मक चलो डार्लिंग, इसकी क्या जरूरत थी? ये क्या हाथ में लेके घूम रही है तू? आपके लिए सूप है। सुनिए जी, ये कौन है? ये है इनकी वाइफ 2.0। हाँ, फिल्म अच्छी बन रही है, ऐसे ही कंटिन्यू रखो। ये अगर इसकी पत्नी है तो ये अंदर से बाहर आते वक्त इस आंटी को देखकर मेरी चम्मच छल्लो ऐसा क्यों बोला? हाँ बता। आया ना उठ पहाड़ के नीचे। क्या बोला? इसने मेरी माँ को चम्मच छल्लो बोला? ग्राइंडर वाले मुँह ने यही तो बोला। क्या बोला? मेरी आई का चम्मक छल्लो बोलता है। मुझे देखकर नहीं बोले रे, इसको देखकर बोले। अच्छा, बोलू? ये आपने बहुत अच्छा किया मैडम, ठीक समय पर आकर सच बता दिया, नहीं तो मेरी मिसेस एकदम एंग्री यंग वुमेन बन जाती। And the Oscar goes to... अमिताभ सर, आपको मिलने वाली ऑस्कर की ये मूर्ति त्रिमूर्ति लेकर जा रहे हैं सर। महाशय, क्या हम भीतर आ सकते हैं? अब ये कौन सा कैरेक्टर टपक पड़ा बिना घंटी के अंदर घुस रहा है? राजा, इसे पहचाना क्या? याद नहीं आया? कट 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 कट।
अम्मा बेसुरों, खाए को मेरे कान के पर्दे फाड़ रहे हो। और कौन है ये? मेरी चाची का बेटा है, बचपन में भाग गया था, इसी को ढूंढने गई थी मेरी आई। अपने बेटे को ढूंढने चाची को जाना चाहिए था, तेरी माँ खाए को गई। चाची की जगह माँ गई ना, तो तेरी चाची कहाँ गई? तो चाचा के साथ होगी। या अल्लाह, कंफ्यूजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वॉश बेसिन, कंफ्यूज करके रख दिया है। हे भाई साहब, सुन रहा हूँ, मुझे शुरू से सब डिटेल में बताओ। डिटेल मुझे सांगू? आओ। क्या लफड़ा चल रहा है यहाँ पर? अब कौन सा नया नमूना आ गया? ए दिल्ली। सर, ससुरी अकाल, नमस्ते। कौन है ये लोग? सर, ये मेरी आई है और ये मेरा भाई। अच्छा, ओ, नमस्ते, बोला नमस्ते। था ना भवानी सर और उनकी बहनें। हाँ, नमस्ते। इनकी बहनें शादी के लिए आई हैं। शादी के बाद भी ये लोग यहीं रहेंगे क्या? बोले तो आप लोग परिवार जैसे हो गए ना, तो शादी के बाद भी आते रहिएगा। हाँ सर, मेरी बहनों को अपनी बेटियों की तरह समझ रहा। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अरे चलो भाई। फ्रॉड लोगों के बादशाह, जरा इधर आओ। बक, मारे को टू डाउट्स है। पहला, अभी जो तुम मुझ पर चिल्ला है वो गालियां ही थी ना, इसमें कोई शक है क्या? टू, वो भवानी मेरा कहा हुआ कभी नहीं मानता, तेरी सारी बातें कैसे मान लेता है? कैसे? ये भी उनको बुलाकर पूछ लेते ना। भवानी भाई, जवाब मिल गया मेरे को। छोड़ भाई, भवानी की वो भगोड़ी बहन वापस आ गई। जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। कब क्या होगा मुझे ये सोचकर टेंशन हो रही है आंटी। सांता हमारे लिए बहुत रिस्क ले रहा है। मेरे बेटे पर मुझे पूरा यकीन है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब भाई कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास, और सब सही चल रहा है ना? मुश्किल है मामू, जैसे सत्या भाई से चेन टेकिंग, वैसे ही भवानी भाई को ये अस्थियां दिखाकर हीरे के अंगूठी टेकिंग। नमस्ते भैया। अरे अरे सत्या, कैसा है तू? बैठ बैठ, बढ़िया। खाना खा, अरे प्लेट लाओ। भैया ने सांता को देख लिया तो? हेलो डार्लिंग, मैं दो दिन में घर वापस आएंगे। फोन कटिंग। सर, आप गुंडे हो ना? कोई शक मामू। माय नेम दिल्ली। लेकिन तुझे कैसे पता चला मैं गुंडा? शक्ल से ही टपोरी लगते हो, देख के कोई भी पहचान जाएगा। मटके में खिचड़ी है। तेरे दूरड, तेरा बाप मर गया क्या? दिस इज बेबीज लवर्स। खुशबू तो पाउडर जैसी आ रही है। वो मेरे बॉडी से आ रही है। ये बताने के लिए पंख क्यों फैला रहा है? बदबू आ रही है, नीचे चल। थैंक यू। मतलब बेबी के लवर को तुमने मार डाला और इसमें अस्थियां हैं? श्योर एंड डेफिनेटली। अच्छा, जिसे तुमने मारा कहीं वो तो नहीं? ले लूंगी, इधर आ। जी भाई, बोलिए। हाउ ही कमिंग टू दिस हाउस? ये भवानी के घर में नहीं है, बल्कि भवानी भाई इसके घर में रह रहे हैं। मैं इसकी असलियत सबको बताता हूँ तो सब मुझे बहुत पीटते हैं। तुम इनके आदमी हो ना, जाकर अपने बॉस को बता दो। उसमें एक लोचा है। मैंने बॉस को बोला कि मैंने इसको टपका दिए ला, उन्होंने खुश होकर मेरे को ये चेन दिए ला। अबे फ्रॉड, अगर मैंने उनको सच बोला तो चेन वापस ले लेगा क्या? जान ले लेगा मेरी। घर तो बहुत मस्त है भाई। बड़ा लकी घर है ये, यहाँ आने के बाद ही ये वापस लौटी है। अब वादे के मुताबिक इसकी और कार्तिक की शादी करवा दूंगा। वैसे ये घर किसका है भैया? ये सेंटा नाम के लड़के का घर, बहुत अच्छा लड़का, अभी मिलवाता हूँ। रमेश, सेंटा को बुला दो। हाँ बोल बेली। तंता को देखा क्या? क्यों? तत्या भाई को मिलना है, लेकर आने को बोला है। अच्छा, एक सेकंड में लेकर आता हूँ। ए सांता, आज बनेगा तेरा फैंटा। भाई मुंबई। कौन मुंबई? बोले तो दिल्ली। क्या है? अगर भाई ने उसको जिंदा देखा ना तो आप उनका सर्किट फ्यूज। करेक्ट है। हाँ? तो तू एक काम कर, इस मटकी का पाउडर फेंक दे और इसे साफ करके रख। कल को तेरी अस्थियां इसमें भर सकते ना। होले, ये छोटा पड़ जाएगा। थोड़ा छोटा पड़ेगा, तेरी मटकी के लिए मटका होना चाहिए। अरे तू समझ, उस जाने को फंसाने का मेरे पास बस यही एक चांस है। तू जी या मर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हैदराबाद। सेंटा, कितना पानी पिलाओगे पौधों को? बस करो, तुमसे कोई मिलने आया है, जरा जाओ जाओ। अपन से मिलने? पाइप छोड़ो, आओ। अरे आओ, चल रहा हूँ, टच मत कर, जल्दी चलो। सिंधु, अब देखना वाहों का खेल। हेलो, कहे हेलो। तेरी इसलिए मैं तुझे मारने आया था, पर मैंने सुना कि तू कहीं भाग गया है। ए, नाम तो बता, वही आकर टपका दूंगा। मैं तेरे सब दुश्मनों का बापू बेटा, मेरा नाम है ब्रिगेडियर। ए, वहाँ से हिलना मत, अभी क्या अभी पहुँचना हूँ। अगर मैं अड्डा तो सामने आके दिखा। तेरी तो अड्डा, ये तो एक नंबर का लड़ाई है बापू। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, मेरी बात तो सुनो। अबे ओ दिल्ली,
सड़क छाप डॉगियों की तरह रस्ते पे गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहा है? मेरे को बोला था कि कोई मुझसे मिलना है ना, कहाँ है वो? हाँ, मेरी पॉकेट में बैठा है, मिल लो। इधर तो कोई भी नहीं है। झूठ बोलता है। शर्म नहीं आती तुझे? तुझ पर जितना भरोसा किया था सब टूट गया। अब मैं कार्तिक को क्या मुंह दिखाऊंगा? बोल। अंदर तेरी लगन की बात चल रही है और यहाँ तू फोन में मगन है। अंदर चल। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। नहीं, एक शब्द मत बोलना तू। सर सर सर, काय झाला, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शादी से पहले ही ये। छी भाई, बहन प्रेग्नेंट है ये बात हमको पता है, लेकिन कार्तिक को तो नहीं पता। बिना बताए दादी करवा ले। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? मैंने आप पर भरोसा किया तो आप मुझे ही धोखा दोगे क्या? ऐसा नहीं है कार्तिक। आप कुछ मत बोलिए, जरा आप मेरी जगह रहकर सोचिए। नहीं नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। इस लड़की की मैं शक्ल भी नहीं देख सकता। अरे रुको, कहाँ जा रही है तू? छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जीना। ऐसी बातें मत करो, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। कैसे करवाएगा तू? कौन करेगा इससे शादी? अपन पे भरोसा रखिए सर। जरा राइट मारो मेरे भाई श्रवण। माझा भाई सर अच्छा पढ़ा लिखा है, ब्रॉड माइंडेड है और रोज मंदिर भी जाता है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए ये लड़की चुनी है। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। थैंक्स भाई। क्या तुम अपन के भाई से शादी करने को तैयार हो? जैसा मेरे भैया कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। लगता है इनको पसंद नहीं है। तू जा बाहर जाके हवा खा। जी भैया। ये बताओ क्या कहकर सबको बुलाएंगे इस शादी में? सर एक आइडिया है, सबको ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी बहन से प्यार करने वाला यही लड़का था और आप गुस्से को थूक कर इन्हें अपना कर इन लोगों की शादी करवा रहे हैं। यह भी बोल देना कि भाई होने के नाते आपकी बहन को शादी के मंडप से भगाने वाला मैं था। सांता। अरे सर, आपके लिए अपन इतना तो कर ही सकता है ना भाई। तंता का प्लान एकदम मत है भाई। अब कोई भी पूछे सब लोग यही बोलेंगे। बिल्कुल सर। हाँ। सबसे पहला वो आ रहा ना, उसको बोलकर देखते उसका रिएक्शन कैसा। पता नहीं लोग क्या समझते हैं। ए दिल्ली। सर इधर आ। हरी बिस्किट खाओगे चाय के साथ? सर क्या तुझे पता है मेरी बहन किससे प्यार करती है? किससे सर? इस लड़के से। बिल्कुल सर, सही पहचाना आपने सर। और क्या तुझे ये भी पता है इसे शादी के मंडप से कौन उठा लेगा? सर ये दाढ़ी वाला। सर सर, आपकी बंदा क्या आज जाके खुली है मेरे राजा। आज से हर किसी को यही झूठी कहानी बताना। झूठी कहानी? क्या बोलते सही है ना? सर ये कोई कहानी वानी नहीं है, ये हकीकत है। ए बांगड़ू सर, अब मुंह बंद करो, जाके चाय लेके आ। जा। सर मैं आपको बता दूंगा एक रफ्तार। देखिए चंदूर ना कभी नहीं सुधरेगा। इस घर में आखिर हो क्या रहा है? दीदी प्रेग्नेंट है ना, तो ये ड्रामा करके श्रवण के साथ शादी फिक्स करवा डाली। लेकिन उन दोनों का पहले से ही निकाह हो चुका ना। ये तेरे को और मेरे को मालूम है, भवानी को नहीं मालूम है। अरे यारा, सबका दिमाग तो टॉप फ्लोरा पे होता, लेकिन तेरी तो पूरी बिल्डिंग ही दिमाग से भरी हुई है। सब ऊपर वाले की देन है यार। ऊपर वाले की नहीं, तू माने रे, तू माने, तू माने। सर घोचू के दिमाग में प्लान फिट कर दिया है, अब ये कोई गलती नहीं करेगा, सारा मामला सेट है, अब बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। जेब फट रही है लेकिन पार्टी बट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे सर किस लिए? क्या कारनामे किए यार तुमने, लाइफ में सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है। अरे अपन ने कुछ नहीं किया सर। बहनों की शादी अपने हाथों से नहीं करवा पाए ये सोचकर मैं मायूस हो गया था, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए। सर मैं जा रहा हूँ। सर कहाँ जा रहे, हुआ क्या? सर मैं अनाथ हूँ लेकिन अमेरिका में बहुत खुश था, मुझे एक अच्छा परिवार मिल रहा है, बस यही सोचकर आपकी हर बात मैं सुनता चला गया, लेकिन अब देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। तुम चिंता मत करो कार्तिक, मैं अपने वादे से मुकरने वाला नहीं। जैसा कि मैंने कहा था, यह शादी होके रहेगी। सर तुम्हारी शादी शालिनी से होगी। कब होगी सर शादी? यह शादी जल्द से जल्द होगी, अपने कुल देवता तिरुपति बालाजी के मंदिर में होगी। कल ही शादी करवा देंगे। अब तो खुश होना कार्तिक। बहुत हैप्पी हूँ सर। एक चीज खरीदने पे दूसरी चीज फ्री मिलती है तो सुना था, पर यहाँ पहली खरीदे बिना ही दूसरी फ्री में मिल रही है। Just shut up. तू दिखता ऊंट जैसा है पर तेरी कुंडली सॉलिड है। क्या नसीब लेकर आया है। हे, लगता मैं अपनी पर्स वहीं भूल गया। एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। हर जगह तो मुझ पे बिल फाड़ रहा था, पर्स में से ढेला नहीं निकाला, तो फिर इसका पर्स घुमा कैसे? इस तरह की बेकार की बातों पर ही दिमाग लगाओ तुम, हमारी शादी के बारे में कुछ मत सोचना। मुझे कितनी टेंशन हो रही है पता है?
अरे काय को टेंशन ले रही है, अभी तो 24 घंटे बचे ना शादी में। जब पानी सर से ऊपर जाता है तो ही मेरे दिमाग में हलचल होती है। छोड़ना नहीं थे, पकड़ो थे। शालिनी, इस घर का मैं दामाद बनने वाला हूँ। लगता है दास ने इसीलिए मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे। लोग शेयरिंग रिक्शा पकड़ के निकलो, जल्दी चलो, जाओ जाओ। कार्तिक, उस लड़की को शक न हो इसलिए उस पर अटैक करने से पहले मैंने तुम पर अटैक करवाया। अब से तुम्हारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। शादी होने तक तुम मेरे बेटे हो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद तो उस भवानी को पूरे शहर में भगा भगा कर मारूंगा। कंटेनर पहुंचा कि नहीं देख। अभी तो धुलाई करके आ रहा हूँ, थोड़ी देर तो आराम करने दो, दो मिनट बाद हो जाए, उसके बाद फिर फाइटिंग कर लेंगे। वो कार्तिक तेरा ही मुलगा है ना? अरे हटाओ हटाओ। तुम कैसे जानते हो? सिर्फ अपन ही नहीं, भवानी भी जानता है। हाँ? बेटी से शादी करवाने के बहाने कल मंदिर जाते वक्त रास्ते में ही टपकाने का प्लान है उसका। ए, मैं तेरी ये बात कैसे मान लूं? खुद उसको फोन लगा के पूछ ले। फोन दे मुझे। क्या हो गया, स्विच ऑफ है? उसका फोन छीन कर बंद कर दिया रहेगा। तेरे को बेटा प्यारा नहीं है क्या? उसकी जिंदगी का एक एक पल उसे मौत की तरफ ले जा रहा है। अपने को तेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तेरे को टिप देकर जा रहा हूँ। चलता है। ये क्या कह रहे हो, कार्तिक दास का बेटा है? मैं ये बात अभी भैया को बताकर शादी रुकवाती हूँ। अपने बताने से अच्छा है कि उन्हें खुद अपनी आंखों से सच्चाई को देख लेने दे। ये क्या कह रहे हो? कल जब हम मंदिर जाएंगे, हम पर अटैक करने दास पक्का आएगा, तब तेरा भाई सब कुछ देख लेगा। दास आएगा, सुसु के बहाने चुपचाप उतर जाओ। Thank you.
यहाँ से राइट में लो। एक मिनट रुक जाओ सर। सर सामने देखो, वो आदमी शक्ल से गुंडा लग रहा है, मुझे लगता है वो अटैक करने वाला है सर। काय रे, ये तो कोई चौकीदार दिखता है मेरे को। अगर चौकीदार है तो दिन के उजाले में अपने चेहरे को कमल से काय को ढका है उसने। सर सर नहीं सर, लेफ्ट से चलो ना सर, लेफ्ट का रास्ता बहुत अच्छा है सर, वहाँ गड्ढे बिल्कुल नहीं है। एक काम करो, लेफ्ट से ही ले। थैंक यू सर। मार को लगता है दुल्हे का टाइम नजदीक आ रहा है। ए दास, मैं अपनी बहन की शादी करवाने जा रहा हूँ, आज कोई लफड़ा नहीं चाहता मैं इधर। देख भवानी, मेरे बेटे को छोड़ दे, नहीं तो तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। अबे कौन सा बेटा बे? ए, नाटक मत कर, तू मेरे बेटे को मंदिर जाने के बहाने रास्ते में ही मार डालेगा, पता है मुझे। अबे क्या बेटा बेटा लगा रखा तेरे बेटे को, जानता तक नहीं मैं। क्या तुम्हारे दिमाग का मदरबोर्ड जल चुका है? जवाब बगल में छुपा है और उन्हें बेवकूफ को पूछ रहे हो तुम। मैं छतरी डालकर खोल दो सर, हर बात पे चिरचिर करता है। तेरे को बोलने का कोई हक नहीं है, सारे प्रॉब्लम की जड़ तू ही है। मियाँ अब तो मेरी बातों का भरोसा करो, इन दोनों की शादी की कहानी सुन रहे थे ना, वो कहानी नहीं है बल्कि सच है। इसका बनाया प्लान है। क्या 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 बोल रहा है? क्या कर रहा है तू? देखा 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 कैसे एक दूसरे से लिपट रहे हैं, बिकॉज दे आर रियल हस्बैंड एंड वाइफ, समझे? तू इधर आ। क्या मियाँ क्या हुआ? अब काहे को चेहरा छुपा रही है? इसका सात जन्मों का साथ ही मैं हूँ, जानते हो ये कौन है? ये मेरी बेगम है, पत्नी। और ये जो सांता खड़ा है ना, इसका प्यार इसे मिल जाए बस इसी कारण सबसे ड्रामा करवा रहा है ये। तुम्हारी छोटी बहन और ये सांता एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे आर लविंग टुगेदर एंड लिविंग टुगेदर। अब तो इंग्लिश में समझा दिया, समझ जा। hey, बकवास बंद कर अपनी। तू क्या बोल रहा है बे? तेरा बेटा कौन है ये भवानी नहीं जानता है? तू खुद आकर भांडा फोड़ दिया, इडियट बेवकूफ स्टूपिड कहीं के। hey, झिंगुर, कौन है उसका बेटा? वो जो इतने दिन से तुम्हारे घर में है ना कार्तिक, वही इस दास का असली बेटा है। अरे पकड़ो इस लौंडे को। अरे छोड़ मेरी बहन को। भैया छोड़ मेरी बहन को। कार्तिक को छोड़ने को बोल। छोड़ उसको वरना वरना तेरी बहन को मार डालूंगा। ए छोड़ दो उसको, छोड़ दो। चल आजा आजा। भवानी, जब भी तुझसे बदला लेने की मैं कोशिश करता हूँ, ये बीच में आकर बचा लेता है। लेकिन अब मैं इन दोनों की शादी खुद करवाऊंगा, अगर हिम्मत है तो रोक कर देगा। ए, गंदे। कार्तिक चल चलो। कैमरा मैंने लगा दिया सर। अच्छा सिचुएशन क्या है? सर हाँ, आपकी बहन को विलन गाड़ी में किडनैप करके ले जाना है। मुंह बंद कर। लेकिन आप उस गाड़ी से पहले पहुँच कर सामने खड़े हो जाते हैं और गुस्से में अपने पंच डायलॉग मारते हैं सर। वाह वाह, क्या सुपर सीन है। देखा ना देखा। अच्छा मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? बूम भास्कर। ए, कौन है रे तू? चुपचाप मेरी बहन को छोड़ दे। इसकी बहन कौन सी है? ये डायलॉग कैमरा में देख के बोलूंगा तो जमावट हो जाएगी। जो मेरी बहन को कुछ हुआ तो ए, वहाँ देख कर क्या बोल रहा है? सामने देख। मैं कहीं भी देख कर बोलूँ तू कान खोल कर सुन ले। चुपचाप मेरी बहन को छोड़ दे। ए, चुपचाप चला जाओ यहाँ से वरना काट डालूंगा। काट डालेगा? मैं क्या दुबली पतली काकड़ी हूँ? 6 फुट का एटम बम हूँ मैं। इसका दिमाग खराब हो गया है। ए, ओरिजिनल बम दिखा इसे। पिन निकाले बिना ही बम फेंक दिया। ये पागल। बम भास्कर धमाका करके तुम्हें सिखाएगा कि बम कैसे फोड़ना चाहिए। वहीं रुको। शराफत से चला जा नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। ये चकुड़ी इधर क्या कर रही है? सांता। ये लुके, बोल रहा हूँ तेरे को छोड़ दे उसे।
ये भाई गलत एंट्री ले रहा है। हीरो मैं हूँ, मेरे सीन के बीच में तू एंट्री काय को ले रहा है? मोटे अंडे चुप, दो स्टार के बीच में मत बोल। हेलो मिस्टर, ये शूटिंग मेरी है, आपके स्पॉट बॉय ने आपको गलत सेट पे भेज दिया है, पेमेंट नहीं मिलेगी, निकल लो। निकलना अपने को नहीं, तेरे को चाहिए। फाटी क्यों? अब बंदा नहीं फाटी क्यों? पकड़ो उसे, वो भाग रही है। पकड़ो उसे, रोक रोक रोको, भागो। साले साहब को खुश करने के लिए करना पड़ता। चाहे जितना भी गोलमाल किया हो, उस लड़की की जान पर खतरा आते ही अपनी जान को खतरे में डाल दिया। सांता, अपन तेरे को ग्रेट मानता। अभी सीरियस थोबड़ा बना के उसके सामने जाने का क्या? चला लौकर। तूने ये सब कुछ मेरी बहन को पाने के लिए किया, क्यों? जा, तुझे माफ करता हूं। क्या बेवकूफ बनाया, पहाड़ी की ऊंचाई तो देखो, दिखावा ऐसे किया जैसे गहरी खाई हो, लेकिन पास आकर देखा तो बस 2 फुट का गड्ढा निकला। अभी भांडा फोड़ता हूँ। मुझे आज एक बात तो पता चल गई है। फिर आ गया तो झिंगो। तुझ में एक बात खास है, जिसके सहारे तू भवानी तो क्या दुनिया में किसी को भी जीत सकता है। अच्छा, वो क्या? वो है तेरा चालाक दिमाग। अरे, हाँ, अरे, 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 अरे,